फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। फटाफट न्यूज डाल देखें जिले भर की बड़ी खबरों पर। आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर। रविवार की शाम अचानक खराब मौसम के बीच हुई बारिश के बाद मिली आकाशीय बिजली में महिला की मौत। 3 झुलसे सेमरिया और नईगढ़ी थाना क्षेत्र में हुई घटना। लापता युवक का नहीं लगा सुराग। परिजनों ने ज्ञापन सौंप कर सिर बरामद करने की मांग। कोतवाली थाने के मलियान टोला निवासी अंकित रजक 20 जुलाई की दोपहर से है लापता। नुपुर शर्मा के समर्थक के साथ मारपीट। मामला धूल पकड़ने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की घटना। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। मुकेश तिवारी नाम के युवक के साथ सुलेमान खान ने की मारपीट। पहले भी सोशल मीडिया में दे चुका था धमकी। BSc ऑनर्स भौतिकी और कर्मकांड का डिप्लोमा कोर्स शुरू। APSU इस साल कई नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तैयारी में। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम किया जा रहा है प्रारंभ। नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया सम्मान। शहर में लखौरी बाग में हुआ कार्यक्रम। आधे घंटे की बारिश में शहर की सड़कों पर भरा पानी। सिरमौर चौराहा, अमहिया, धोबिया, टंकी, पनीर तालाब। जिले में 3 जनपद पंचायतों में उप सरपंचों का निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न। कहीं बहुमत साबित करना पड़ा तो कहीं निर्विरोध जीते। हरमरा, माऊवंश, नईगढ़ी की 254 पंचायतों में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण। स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के तत्वाधान में शिव महिमा कथा एवं प्रसिद्ध दरबार का भव्य आयोजन 25 एवं 26 जुलाई को। स्कूल में सोने वाले शिक्षक के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई। प्राथमिक शाला गुड़िया टोला कथा का मामला। जिले में स्कूल खुले हुए 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ऐसी कि विद्यालय में नियमित रूप से नहीं संचालित की जा रही है कक्षाएं। पुलिस लाइन में शिविर लगाकर पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न। 22 पुलिस कर्मियों ने शुगर, BP सहित अन्य बीमारियों की कराई जांच। कबाड़ कारोबारी का शव मिला सड़क के किनारे। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही इंतजार। रायपुर थाना क्षेत्र के हटवा दीनदयाल गांव निवासी राम सजीवन साकेत की हुई मौत। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी देने के लिए नेशनल वेबिनार का आयोजन। गोपनीयता के बहाने नहीं रोक सकते हैं सूचना। सूचना आयुक्त सहित RTI विशेषज्ञों ने रखी राय। जिले के सभी थाना प्रभारियों व कोर्ट मुहरियों की बैठक कंट्रोल रूम में की गई आयोजित। लंबित अपराधों में चालान पर कार्रवाई करने का निर्देश। श्री नवनीत भसीन ने थाना प्रभारियों के लिए बैठक। सिमरिया नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 के रहवासी सड़क नहीं होने से परेशान। कीचड़ से निकलकर बच्चे पहुंच रहे स्कूल। प्रशासन ने आंखों में बांध रखी है पट्टी। स्कूलों में छात्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए आरोप हो गए गायब। एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे शिक्षक। मणिकवार संकुल केंद्र का मामला। अभिभावकों ने उठाए सवाल। संजय गांधी अस्पताल के अस्थि रोग विभाग के चिकित्सक विशेषज्ञों ने एक बार फिर किया जटिल ऑपरेशन। मरीज को मिला नया जीवन। आर्थराइटिस बीमारी से पीड़ित महिला लंबे समय दोनों घुटने खराब होने की वजह से थी परेशान। डॉक्टर राहुल ने डॉक्टर दिनेश कुमार के साथ मिलकर किया सफल ऑपरेशन। और मानसिक प्रताड़ना से तंग महिला ने उठाया आत्महत्या। और मानसिक प्रताड़ना से तंग महिला ने उठाया आत्मघाती कदम। चुराटा थाना क्षेत्र के हरदी में हुई घटना। पुलिस ने रामरति साकेत, हरीश साकेत, राजभर साकेत, भानुमति और सुमन के खिलाफ दर्ज किया हत्या के लिए उकसाने का मामला। करंट की चपेट में आने से दिलीप कुमार की मौत। संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ा दम। गोविंदगढ़ पुलिस ने दर्ज किया मामला। 15 वर्षीय किशोरी का बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बड़ी हरदी से अपहरण। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तलाश। और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण। वार्ड क्रमांक 3 में हुई घटना। आरोपी मनोज अहिरवार के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज। पुलिस ने शुरू की तलाश। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए चालक ने मारी टक्कर। मनगवा थाना क्षेत्र के त्यूनी मोड़ बाईपास में हुई घटना। आनंद तिवारी निवासी त्यूनी हुए घायल। पुलिस ने ट्रक क्रमांक UP 63T 5153 के चालक के खिलाफ दर्ज किया मामला। गढ़ थाना क्षेत्र से किशोरी का अपहरण। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया अपहरण का मामला। पर तलाश में जुटी। मऊगंज थाना क्षेत्र के बमुड़िया निवासी रमेश के घर हुई चोरी की वारदात। और जहरीले कीड़े के काटने से हरिनाथ जायसवाल नाम के युवक की हुई उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। मऊगंज थाना क्षेत्र के पटेहरा में आकाशीय बिजली गिरने से शैलेंद्र कुमार पटेल नाम के युवक की हुई मौत। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। अवैध डीजल बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा। सुहागी पुलिस ने वार्ड क्रमांक 3 बस स्टैंड में रामचंद्र शुक्ला के खिलाफ दर्ज किया मामला। राजन दुबे की दुकान में पुलिस की दबिश। आरोपी से
30 लीटर डीजल किया गया बरामद। पदवार थाना क्षेत्र से किशोरी का अपहरण, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस मामला दर्ज कर शुरू की किशोरी की तलाश। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।